हमेशा अपने क्रियाकलापों से समाचार की सुर्खियों में रहने वाले मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने एक बार फिर अपनी ही सरकार के पुलिस प्रशासन की कलाई खोल दी है। दरअसल प्रदीप पटेल ने शनिवार रात मऊगंज नगर में नो एंट्री पर घुसने वाले बड़े वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी, जबकि इस काम के लिए निर्धारित पुलिस थानों में ही आराम फरमा रही थी। राज्य मंत्री प्रदीप पटेल के द्वारा लगभग 11 ऐसे वाहनों को पकड़ा गया जो कि नो एंट्री के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, जिसके बाद सभी वाहन विधायक द्वारा मऊगंज थाने लाए गए। हालांकि विधायक के इस कार्यवाही की सूचना मिलते ही मऊगंज पुलिस भी हरकत में आ गई तथा सभी वाहन चालकों को जब्त कर उनके चालान काटे गए। इस मामले की जानकारी देते हुए रीवा SP शिव कुमार वर्मा ने बताया कि मऊगंज क्षेत्र से लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं। बीते दिन मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा 11 वाहनों को नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया है। पुलिस नियमानुसार कार्यवाही कर रही है। हालांकि विधायक के द्वारा की गई इस कार्यवाही पर भी विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इससे अवैध वसूली का तरीका भी करार दिया है। ये लगातार शिकायतें होती रहती थी, वहाँ के जनप्रतिनिधि भी इस बात की शिकायत करते थे कि नो एंट्री पे जो 11 से सुबह 5 बजे तक रहती है उसमें अनायास में हैवी वाहन शहर में आ जाते हैं, इससे दुर्घटना होने की संभावना लगातार बढ़ी रहती है। उनकी शिकायत पर पुलिस मऊगंज के द्वारा 10 वाहनों के खिलाफ नो एंट्री की कार्रवाई की गई है। प्रति वाहन 5,000 रुपये का जुर्माना भी किया गया, लगभग 50,000 रुपये का जुर्माना भी हुआ 10 वाहनों के ऊपर। वहाँ पर विधायक जी मौके पर थे, उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी, उसकी सूचना पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई उनकी शिकायत पर।